morning students, welcome in the class 8. As we are all know that we are watching our video of subject man and chapter 3, that is indices and cube root. पिछले वीडियो में हमने जो क्वेश्चन देखा बेटा उसमें हम लोगों ने देखा था कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल के नीचे ये जो सेकंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 3.2 का फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडेक्सेस जिसमें हमने फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम मैंने आप लोग को प्रैक्टिस सेट 3.2 का फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम आपको होमवर्क दिया था है ना जिसमें आप लोग को एक नंबर दिया हुआ है इसका सिक्स पावर और सेवंथ रूट आप लोग को इसमें लिखना था है ना इसको हम लोग को अभी सॉल्व करना है इसके बाद हमने क्यूब ऑफ नंबर्स भी देखे हुए हैं क्यूब ऑफ नंबर्स में हमने कुछ नंबर्स लिए थे उसकी क्यूब किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है अब हम लोग ये आंसर्स लिखते हैं बेटा जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख लेंगे 924 ठीक है इसमें आप लोग को पता है कि जैसे ही हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं तो जैसे अंदर से बाहर हम लोग को चलना है पावर यानी कि अंदर होगा और रूट जो है वो बाहर में हम लोग को लिखना बेटा सिक्स पावर यानी कि हम लोग इसका पावर जो है वो सिक्स इस तरह से लिख लेते हैं और सेवंथ रूट यानी कि 1/7 इस तरह से हम लोग इसका आंसर लिख लेंगे जिसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखे तो इसका आंसर होगा 2 924 raised to power 6/7 ये हो गया हमारा फाइनल आंसर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे इसका आंसर सॉल्व करके बताया मुझे अच्छा लगा कि आप लोग होमवर्क दिया हुआ होमवर्क कर रहे हैं और करके देख रहे हैं और रेगुलर तरह से वीडियो भी देख रहे हैं स्टूडेंट ठीक है अब हम लोग चलते हैं क्यूब ऑफ 0.5 को सॉल्व करने के लिए तो इसको किस तरह से लिखेंगे आपको पता है 0.5 इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेने के बाद इस तरह से रेस्ट पावर 3 लिखते हैं इसका मतलब ये होता है बेटा कि 0.5 को तीन बार हम लोग को इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है 0.5 × 0.5 × 0.5 ओके अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं ये जो प्रोसेस है ये आप लोग रफ पेज पर करके देखिए इसके बाजू में आप लोग को नहीं करना है हमारे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ तो 0.5 × 0.5 कितने डिजिट के दो एक डिजिट यानी कि एक डिजिट बाद में और एक डिजिट बाद में यानी कि कितने डिजिट हो गए दो डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा यानी कि आपको 0.25 इसका आंसर मिलता है अब 0.25 को दोबारा हमको आप देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0.5 आ गया इसको हम लोग को दोबारा 0.5 से मल्टीप्लाई करना है बेटा तो देखिए 5 × 25 का 5 बचा 2 5 × 10 = 12 5 × 0 = 0 ठीक है यहाँ पे एक 0 आ गया उधार का अब 0 × 0 0 × 0 = 0 0 × 0 = 0 अब ये संख्याओं को हम लोग को प्लस करना है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 यहाँ पे आ जाएगा 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे 0 अब देखिए बेटा पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट और यहाँ पे पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 1 डिजिट तो 2 और 1 यानी कि कितने डिजिट 3 डिजिट तो 3 डिजिट के पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा यानी कि यहाँ पे आपको उत्तर मिलता है 0.125 यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ और आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली आपका आंसर लिखना बेटा इज इक्वल टू 0.125 ये हो गया आपका आंसर एंड देयरफॉर आप लोग यहाँ पे बाद में लिखिए 0.5 cube = 0.125 ये आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये होमवर्क करके बताया मुझे बहुत खुशी हुई अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ वो है हमारा 15 cube यानी कि हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है 15 × 15 × 15 ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 25 का 5 यहाँ पे बचे 2 5 × 5 = 2 = 7 यहाँ पे उधार का 0 1 × 5 = 1 तो यहाँ पे 5 × 7 = 12 = 2 1 × 1 = 2 तो यहाँ पे आप लोग को सबसे पहले तो 15 का स्क्वायर मिला है 225 अब हम लोग को 225 को दोबारा 15 से मल्टीप्लाई करना है 5 × 25 का 5 बचा 2 5 × 10 और 2 12 के 2 बचा 1 5 × 10 और 1 क्या ठीक है यहाँ पे एक उधार का 0 आ जाएगा बेटा और 1 5 5 1 2 2 और 1 2 2
ठीक है, अब इनकी प्लस करनी है, 5 + 0 5, 2 + 5 7, 1 + 2 3 एंड 1 + 2 इज 3, यानी कि आपका यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है आपको, 3375, दैट इज द क्यूब ऑफ 15, मतलब 15 का क्यूब, 15 का घन कितना मिलता है आप लोग को, 3375। देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन मैं कर रहा हूँ कि आप लोग ध्यान से देखिए, इसी तरह से आप लोग को भी मल्टीप्लाई करके देखना है ताकि आप लोगों की कोई भी गलती ना हो और एकदम करेक्ट आंसर आप लोग का आ जाए। अब हम लोग डायरेक्टली इसको मिटाने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं, देयरफॉर 15 क्यूब इज इक्वल टू 3375। तो ये हो गया बेटा अपना होमवर्क सॉल्व। तो यही होमवर्क आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में भी लिख कर देखना है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लोग अपनी पक्की कॉपी में इसको एज इट इज उतार लीजिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है, टू फाइंड द क्यूब रूट। अब हम लोग को क्यूब रूट किस तरह से फाइंड करने हैं वो देखना है। ये यहाँ पर मैं मिटा देता हूँ बेटा, ये जो चीजें मैंने होमवर्क आप लोग को बताई थी, ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे टू फाइंड द क्यूब रूट की तरफ। तो जो भी आप लोग को टेक्स्ट बुक में दो प्रॉब्लम सॉल्व करके बताए गए हैं, ये दोनों प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, टू फाइंड द क्यूब रूट, ये पोर्शन हम लोग को देखना है। प्रैक्टिस सेट 3.3 स्टार्ट होने के पहले तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम बेटा। एग्जांपल नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 216, ये नंबर है 216, इसका हम लोग को क्यूब रूट फाइंड करना है। तो जैसे कि आप लोग को पता है लास्ट ईयर आप लोगों ने फैक्टर्स निकाले थे, याद है आपको 7th क्लास में, उसी तरह से हम लोग इस साल भी फैक्टर फाइंड करते हैं, 216 के फैक्टर्स किस तरह से फाइंड होंगे, ठीक है। 216 इज इवन नंबर, इवन नंबर होने की वजह से इसको 2 का भाग आराम से जाएगा बेटा। 216 को 2 का भाग देंगे तो देखते हैं, 216 को 2 का भाग देखते हैं, 2 यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 1 बचा, 2 0 0, और यहाँ पे ऊपर के 16 उठाने के बाद यहाँ पे 2 8 16 होता है बेटा, 16 में से 16 गया 0, यानी कि पूरा भाग जाए जाना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आपका आंसर आता है 108 को भी 2 से भाग देंगे तो डायरेक्टली इसका आंसर आता है 54 को 2 का भाग देंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आता है बेटा 27 इज एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आने के बाद इसको अगर हम लोगों ने 2 का भाग देने की कोशिश की तो भाग नहीं जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे 3 का भाग देकर देखना है। तो 3 9 27, फिर 9 को 3 का भाग देंगे तो 3 3 9, एंड 3 को दोबारा 3 का भाग देंगे तो आपका आंसर यहाँ पे आता है 1। अब जैसे कि आप लोग को पता है एचसीएफ और एलसीएम हम लोग पिछले वीडियो में पिछले साल देखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए सेम मेथड ने हम लोगों को यूज करके इसको सॉल्व करना सिखाया था मैंने आप लोग को, वही मेथड का यूज करके हम लोग को इसको फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालने के बाद आप लोग को जितने फैक्टर्स मिले हैं, ये थोड़ी देर के लिए ये डिविजन मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ बेटा, यहाँ पे सामने लिखता हूँ मैं, देयरफॉर 216 के आप लोग को जितने जितने यहाँ पे फैक्टर्स मिले वैसे लिख ले हैं। तो डाउनवर्ड एरो का मतलब वही होता है कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, तो 3 × 2 और 3 × 3, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप लोग के जैसे कि टेक्स्ट बुक में दिया गया है इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से लिखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 2 और 3 एक बार लिख लेते हैं, 2 और 3 और एक बार लिख लेते हैं, और 2 और 3 और एक बार लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लेने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा दिखने में भी सिस्टमेटिक लगता है और समझने में तो बहुत आसान हो जाता है। तो इसको और दोबारा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 3 इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, और एक बार 2 × 3 इस तरह से हम लोग इसको लिख लेते हैं। अब देखिए 2 × 3 यानी क्या होता है बेटा, 6 × 2 × 3 होता है 6, और 2 × 3 होता है 6। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया है कि यही नंबर उठा के एक दूसरे के पास लेके आ गया, 2 × 3 ये हो गए, 2 × 3 ये हो गए, और 2 × 3 ये हो गए। तो इस तरह से अलग अलग ब्रैकेट में इसको डालकर सिस्टमेटिक वे तरह से लिख लिया है। अब 6 × 6 × 6 यानी क्या होता है 6 3 times, यानी कि 6 का क्यूब, ठीक है ना। इसी तरह से एक लिख लेने के बाद इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक वे से अगर इस तरह से क्यूब रूट के फॉर्म में कर लिखे तो क्यूब रूट ऑफ 216 हम लोग क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे डायरेक्टली इसका आंसर मिलता है 6, या फिर इसको 216
रेस्ट टू पावर वन अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू बी सिक्स होगा, ये हो गया ऑफ। ठीक है, मतलब ये दो तरीके थे हम लोग क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं, एक तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज इक्वल टू 6 और 216 रेस्ट टू पावर वन अपॉन थ्री यानी कि उसका भी मतलब क्यूब रूट ही होता है इज इक्वल टू बी 6। ठीक है, तो इस तरह से आंसर फाइंड करके आप लोग को लिखना बेटा, ये क्यूब ये जो चिन्ह है ये गा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग 216 इज इक्वल टू 6 क्यूब नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लोग क्यूब रूट ऑफ 216 फाइंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा आप लोग को, ये जो आंसर है ये 216 इज इक्वल टू 6 क्यूब आया हुआ है, हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं ये क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं। तो क्यूब रूट के पैटर्न में इसको ढाल लेने के बाद ये क्यूब अचानक अपने आप निकल जाता है और ये क्यूब बन जाता है क्यूब रूट ऑफ 216। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट जो कि आप लोग को टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 पे दिया हुआ था। अब हम लोग पेज नंबर 18 पर एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे बेटा, सॉरी ये 2 जो है वो माइनस नंबर वाला है, वो माइनस नंबर वाला मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा, हम लोग डायरेक्ट एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। 3 में आप लोग को 1728 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो ये मैं अभी यहाँ पे मिटा देता हूँ, ये आप लोग को समझ में आ गया है, ये आप लोग को एज इट इज अपने कॉपी में उतार लेना है और उसकी इसकी भी फोटोकॉपी लेगा फोटो लेकर मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली सेंड कीजिएगा। इसके साथ एग्जांपल नंबर 2 जो अभी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताता हूँ वो, और प्रैक्टिस सेट 3.3 हम लोग तुरंत स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर प्रॉब्लम नंबर 2 दैट इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728 मतलब 1728, ये जो 1728 ये जो नंबर है इसके भी हम लोग को क्या करना है बेटा, आप लोग को सबसे पहले फैक्टर्स निकाल लेने हैं। ये फैक्टर्स निकाल लेने के बाद आप लोग को क्या होगा कि फैक्टर्स निकाल लेने के बाद आसानी होगी कि इसका क्यूब रूट हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये भी इवन नंबर है, इसको 2 का भाग आराम से जाता है, तो 2 का भाग जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैं इसको डिवाइड करके बताता हूँ, 1728 को 2 का भाग देंगे, 2 8 16 और बचा 1, 2 6 12 और यहाँ पे बचे 8 2 4 8, 8 में 8 गए 0 बचे, यानी कि आप लोग का यहाँ पे आंसर कितना मिल रहा है 864। इसको भी आप लोग 2 से भाग दे सकते हैं बेटा, अब देखिए बहुत आसान है, 864 को 2 4 8 2 3 6 और 2 2 4 तो 432 इसका आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। अब बेटा देखिए 432 को भी अगर आप लोगों ने 2 से भाग दिया तो 2 2 4, ठीक है, फिर 3 3 उधर जाएगा, इसको करके देखते हैं, 2 2 4 यहाँ पे 2 1 2 और ऊपर के 2 उठाने के बाद 2 6 12 यानी कि यहाँ पे आप लोग को 216 ये नंबर मिलता बेटा, इसको भी 2 का भाग जाता है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 216 को फैक्टर्स निकाले हुए हैं, है ना, तो 216 के फैक्टर आप लोगों ने देखे थे 108 आता है बेटा इसका आंसर, है ना, 2 से भाग देने के बाद। अब 108 को 2 से भाग देने के बाद आपका आंसर आया था 54, अगेन 54 को हमने 2 से भाग दिया था तो आपका आंसर आया था बेटा 27, और फिर 27 को 2 का भाग नहीं जाता था तो हमने इसको 3 का भाग दिया, 9 दिया 27, और 3 को 9 को 3 का भाग देने के बाद आपका आंसर आया था 3 एंड 3 1 द 3। अब ये पूरे आप लोग को यहाँ पे फैक्टर्स मिले हुए हैं, ये थोड़ी देर के लिए दोनों चीजें यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, और मिटा देने के बाद अभी आप लोग को फाइंड 1728 के क्यूब रूट फाइंड करने में आसानी जाएगी। 1728 के जितने भी फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए वो सब हम लोग को लिखना है, तो 2 कितनी बार आया हुआ है वो हम लोग लिख देते हैं, 2 1 2 3 4 5 और 6 टाइम टू आया हुआ है, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 जो है वो 3 बार आया हुआ है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने फाइंड आउट किया था कि कितनी बार कौन कौन सी चीजें आई हुई है, यहाँ पे देखिए 2 जो है वो 6 बार आया हुआ है, इसको 3 बार में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो हम लोग को इसके ग्रुप लेने पड़ेंगे 2-2 के, तो यहाँ पे मैंने 2-2 के ग्रुप ले लिए बेटा, इसको 4 कंसीडर करता हूँ मैं, 4 into 4 into 4 into 3 into 3 into 3, क्योंकि इसके क्यूब रूट फाइंड करने में हम लोग को आसानी जाएगी, इस वजह से मैंने इसको 4 बनाया हुआ। तो देखिए 4 एंड 3 हम लोग यहाँ पे उठा के ब्रैकेट में डाल देते हैं, 4 into 3 into ये 4 into 3 ये भी दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, और फिर इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद ये 4 और ये 3 इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लिख लेने के बाद आप लोग को पता है कि 4 into 3 होता है 12, into 4 into 3 होता है 12 और into 4 into 3 होता है 12, तो यहाँ पे देखिए बेटा 4 12 into 12 into 12 यानी कि आपको यहाँ पे मिलता है 12 का क्यूब,
तो ये आप लोग को मिला हुआ है 1728 का क्यूब, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग ने क्यूब रूट के फॉर्म में लिखा तो क्यूब रूट ऑफ 1728 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा ओनली द नंबर इज 12, क्योंकि ये क्यूब उसका क्यूब रूट बनकर यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। और इसी को और करके भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और 1728 जो कि आप लोग को एलरेडी आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 3.3 की तरफ, जिसमें आप लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बताया, इसी पैटर्न में आप लोग को इसके फैक्टर निकाल के इन फैक्टर को तीन के फॉर्म में लिख लेने के बाद क्यूब फाइंड करने में बहुत ही आसानी जाती है। तो प्रैक्टिस सेट 3.3 में हम लोग को फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा स्टार्ट करना है यहाँ पे। तो लेट स्टार्ट और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 3.3, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। देखिए जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम अगर हमने लिया तो अभी समय अपना बहुत हो गया और ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ना प्रॉब्लम लेने से अच्छा मैं छोटा सा थर्ड नंबर का प्रॉब्लम लू, ताकि मैं आप लोग को फर्स्ट एंड सेकंड ये प्रॉब्लम होमवर्क दे दूं बेटा। तो 343 ये थर्ड वाला प्रॉब्लम यहाँ पे मैं सॉल्व करके आप लोग को बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोग को पता है 343 के आप लोग को क्या करना है, इसके सबसे पहले फैक्टर निकालने, सबसे पहले ये ऑड नंबर होने की वजह से इसको हम लोग तीन से डिवाइड करके देखेंगे। 3 1 3 3 3 0 ऊपर के उठाए 4, 3 1 3 और 4 3 1 एंड रिमेनिंग 13। नो तो यहाँ पे इसका भाग नहीं जा रहा है, 4 का तो भाग नहीं जाएगा, 5 ये 5 के टेबल में 3 नंबर नहीं आता और 6 का तो भाग नहीं जाएगा। हाँ हम लोग इसको हाँ 7 का भाग देकर जरूर देख सकते हैं बेटा, 3 का पहाड़ा बोलेंगे 3 1 3 7 1 7 7 2 14 7 7 14 7 7 28 7 5 35 7 4 28 यहाँ पे 28 का भाग देकर देखेंगे तो 4 में से 8 गए यहाँ पे, यहाँ पे ये 2 और यहाँ पे हो गए बेटा 14 में से 8 गए 6 और 2 - 2 = 0 4 7 9 = 63 तो 63 - 63 = 0 तो यहाँ पे देखिए 49 का यहाँ पे पूरा भाग दिया हुआ है, तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 49। और आपको जैसे पता है कि 7 7 = 49 और फिर 7 1 = 7 तो देखिए आपको यहाँ पे फैक्टर मिल गया बेटा 343 के, 343 = 7 × 7 × 7। अब यहाँ पे जो पोर्शन मैंने यहाँ पे आप लोग को सॉल्व करके बताया ये मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि ये आप लोग को अपनी पक्की कॉपी में भी बाजू में नहीं करना है, इसको आखिरी पेज में ही करेंगे। तो देखिए बेटा यहाँ पे आप लोग को 7 × 7 × 7 इस तरह से तीन फैक्टर्स यहाँ पे मिल गए हैं, ये तीनों फैक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख लिए, इसका मतलब ये होता है 7³। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं therefore 343 = 7³। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को क्यूब रूट फाइंड करना है एंड देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ, इस तरह से हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 343 = 7 और हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और इसको नीचे लिखेंगे बेटा हम लोग 343 √1/3 = 7 यानी कि इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का क्यूब रूट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो आज मैं यहाँ पे आप लोग को होमवर्क देना चाहता हूँ बेटा, दो प्रॉब्लम आप लोग को होमवर्क रहेंगे, प्रॉब्लम नंबर 1 दैट इज 8000 एंड प्रॉब्लम नंबर 2 दैट इज 729। देखिए इसको सॉल्व करने की जरूर कोशिश कीजिए क्योंकि ये बहुत हार्ड नहीं है, थोड़ा सा इसका जो ये जो प्रॉब्लम नंबर 1 है इसका जो फैक्टर्स जो हमने ढांचा बनाया हुआ था वो थोड़ा सा आप लोग का बड़ा हो सकता है, बहुत सारे नंबर आएंगे लेकिन बहुत जल्दी आप लोग इसको सॉल्व करने में आप लोग को बहुत इंटरेस्ट आएगा। सेकंड प्रॉब्लम में इसका क्यूब मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये 9 का क्यूब होता है, ठीक है, इसका आंसर आप लोग को 9 मिलने वाला है। तो इसको भी सॉल्व करके देखिए, ये भी आप लोग को तुरंत आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम लोग 4, 5 और 6 ये तीन प्रॉब्लम सॉल्व करके जरूर देखेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए और बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए और 2 गज की दूरी रखिए और हाथ आप लोग को हैंड वॉश से या सैनिटाइजर से बार बार धोते रहना है। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।